Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it now, but after watching this video. Today's video is about tenses, and in tenses we are going to talk about future continuous tense. अब अगर हम sentences को देखें तो हमारे पास तीन sentences मौजूद हैं, जिसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो helping verb अब आ रहा है वो shall be है. फ्यूचर सिंपल में हमने shall और will लगाया था. फ्यूचर परफेक्ट जब हमने किया तो हमने shall have और will have लगाया. और अब हमारे पास एक नया हेल्पिंग वर्ब आ रहा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में और वो है shall be. और आप देखें तो ये कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है और कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब में याद रखिए कि जब भी आपके पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपने लास्ट पार्ट को देखना है. जो लास्ट पार्ट होगा उसके मुताबिक आपने मेन वर्ब को लगाना है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, क्योंकि यहाँ पे बी फॉर्म है और बी फॉर्म आपको पता है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लेती है, जिसको हम वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म कहते हैं. दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें तो हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस है, विल बी हमारे पास मौजूद है और मेन वर्ब अगर आप देखें तो वो राइटिंग है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है. और पूरा सेंटेंस अगर हम देखें तो she will not be writing this poem और will she के साथ आ रहा है. और याद रखिए कि not जो है वो will और be के बीच में आएगा, will be not नहीं होगा, will not be होगा. तीसरा सेंटेंस अगर देखें तो will आपका सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में सब्जेक्ट से पहले दी स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट हुआ और उसके बाद be आएगा और उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा. क्वेश्चन मार्क आपने एंड में लाजमी लगाना है. और याद रखिए कि जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा जो है सेंटेंस के शुरू में जाता है और बाकी हिस्सा जो है वो अपनी जगह पर ही रहता है वर्ब से पहले. आइए अब हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास ही शी इट You, they और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का एक ग्रुप मौजूद है जो कि will be helping verb को लेगा और will be की वजह से main verb आ जाएगा present participle, जिसको हम आम लफ्जों में verb plus ing कहते हैं. दूसरा ग्रुप जो है वो छोटा सा ग्रुप है. अब हमारे पास I और we और ये लेंगे shall be और shall be के साथ मेन वर्ब आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म कहते हैं हर्फ आम में. नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो फिर आपको नजर आएगा कि he, she, it, you, they सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन will not be लेंगे और I और we shall not be लेंगे और इनके साथ मेन वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब प्लस ing कहते हैं, आएगा. अब हम क्वेश्चन को अगर देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो याद रखिए कि will और shall शुरू में जाएगा, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा और बी का इजाफा होगा और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा. आइए अब स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद हम यूजेस की तरफ चलते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस के यूजेस ज्यादा नहीं हैं, दो मेजर यूजेस हैं. पहला यूसेज जो है वो अजम्पशन से ही रिलेटेड है. याद रखिए कि फ्यूचर टेंस ज्यादातर अजम्पशन के ऊपर ही डिपेंड करता है. आपकी प्लानिंग हो सकती है, आपका मफरूजा हो सकता है, आपकी थिंकिंग हो सकती है. तो व्हेन यू अस्यूम एक्शन विल बी कंटिन्यूड इन प्रेजेंट और फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज. आपके पास एक नॉलेज है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, उसकी बेस पर आप अस्यूम करते हैं कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में कंटिन्यूड होगा, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं. एग्जांपल्स अगर देखें तो दे विल बी गोइंग फॉर अ पिकनिक. आपका फ्रेंड ने बताया आपको कि मैं अपनी फैमिली के साथ कल पिकनिक पे जा रहा हूं. तो आज वो कल आज आ गया और उसने आपको बताया था कि हम सुबह 10 बजे पिकनिक के लिए चले जाएंगे. अभी 11 बजे या 10:30 का टाइम हो गया है. तो आप उस इंफॉर्मेशन को जहन में रखते हुए आप कहते हैं दे विल बी गोइंग फॉर अ पिकनिक, कि वो पिकनिक पे जा रहे होंगे. प्रेजेंट टाइम में भी आप ये बात कर सकते हैं. इसी तरह अगर फ्यूचर की बात हो, शी विल बी रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी टुमारो. आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि मैं कल लाइब्रेरी में जाऊंगी और वहां पर बैठ के मैं अपने पेपर की तैयारी करूंगी, मैं अपनी बुक साथ लेके जाऊंगी और वहां पर पढ़ूंगी. तो आपने उस इंफॉर्मेशन की बेस पर ये अजम्पशन की कि वो कल जो है किताब लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी। लेट्स सपोज हम टुमारो का वर्ड हटा देते हैं और हम कहते हैं शी विल बी रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी। लेट्स सपोज आपकी दोस्त ने आपको बताया कि मैं 8 से 9 बजे के दरमियान लाइब्रेरी में किताब पढ़ूंगी बैठ के, और अभी 8:15 हो रहे हैं। आपका एक और दोस्त आती है और वो आपसे पूछती है कि लेट्स सपोज आपकी फ्रेंड के बारे में पूछती है कि ओके वो कहाँ है, तो आप कहेंगी कि शी विल बी रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी, क्योंकि उसने आपको बताया था कि भाई मैं इतने से इतने बजे लाइब्रेरी में पढ़ूंगी। आपने उसको अभी देखा नहीं है, यू आर नॉट कंफर्म अबाउट इट, इसलिए आप प्रेजेंट में भी उसके बारे में अजम्पशन कर सकते हैं, तो इसलिए विल बी। अगर आपको कंफर्म हो, आपने उसको देखा और फिर आप कहते हैं यस शी इज रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी, कि वो बुक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रही है, अब आपको पक्का यकीन है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। लेकिन जब आप अजम्पशन लगा रहे हैं, जब आप अस्यूम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में भी आप फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस ही यूज करेंगे। आगे चलते हैं दूसरे यूसेज की तरफ। When you talk about future without an intention or deliberation, आप देखें आप कुछ काम होते हैं जो कि आप डेलिब्रेट करते हैं, जो कि आप इंटेंशन के साथ करते हैं, लेकिन बास काम ऐसे होते हैं जो इंटेंशन के बगैर होते हैं, वो कुछ एक्शंस के नतीजे में होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हम देखें दे विल बी फेसिंग सीरियस थ्रेट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। आप देखें कि एक इलाका है जहां पर आपको नजर आता है कि वहां पर पानी की आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जा रही है, लोग पानी बहुत जाया करते हैं और पानी को सेव नहीं करते। तो आपको पता है कि जब ये इस तरह का काम करेंगे, जब बेएहतियाती की जाएगी, जब पानी को बचाया नहीं जाएगा, जब पानी को सेव नहीं किया जाएगा, और बारिशों का सीजन जो है, मतलब वहां पर बारिशें भी कम हो रही हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि यार कुछ अरसे के बाद इनको पानी की शॉर्टेज की प्रॉब्लम होगी। तो उन एक्शंस के नतीजे में ये काम होने जा रहा है, अनइंटेंशनली हो रहा है। तो उसको भी हम जब बात करेंगे किसी फ्यूचर में होने वाले काम की, जो कि विदाउट इंटेंशन या डेलिब्रेशन हो, लोगों को नहीं पता कि यार इस अमल से हमें ये नुकसान हो सकता है, तो फिर हम कहेंगे दे विल बी फेसिंग सीरियस थ्रेट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। या आप कहते हैं दे विल बी वॉकिंग इन द गार्डन, कि आपको पता है कि यार अभी ये सब हंस खेल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और अभी जो है बात हो रही है कि अच्छा भाई हम सैर को चलते हैं, तो आपका अंदाजा है कि ठीक है जी, क्योंकि अब ये कहाँ जाएंगे, ये गार्डन में वॉक करेंगे, तो यू विल बी वॉकिंग इन द गार्डन जो है आपने अस्यूम किया एक किस्म का। या आप कह सकते हैं कि आपके मुख्तलिफ एक्शंस के नतीजे में जो चीज होने वाली है, आपका डेलिब्रेट एक्शन नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसी चीज जो डेलिब्रेट ना हो, विदाउट इंटेंशन हो, और फ्यूचर में मुख्तलिफ चीजों के होने के नतीजे में चीज होने जा रही हो, तो उस वक्त आप उस वक्त भी फ्यूचर कंटिन्यूअस उस एक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस की समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।